हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका संगीता विश्वरूप चैनल पर। फ्रेंड्स, आप मेरी इसी तरह की इनोवेटिव 300 से भी ज्यादा सब्जी की रेसिपीज देखने के लिए प्लीज आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए। तो आइए फ्रेंड्स, रेसिपी बनाने की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, अचारी गट्टे आलू बनाने के लिए सबसे पहले हम एक अचार मसाला तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने लिए 2 चम्मच राई की दाल, या आप राई को पीसकर भी इसमें ले सकते हैं। और यहाँ पर सेंटर में मैंने थोड़ी जगह बना ली है, यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर और साइड में हम डालते हैं 1 चम्मच सौंफ। फ्रेंड्स, ये हम इंस्टेंट अचार मसाला बना रहे हैं। आपके पास रेडीमेड अचार मसाला हो तो वो आप ले सकते हैं, आपका बना हुआ घर का अचार मसाला हो तो वो भी ले सकते हैं, या इस तरह से हम इंस्टेंट बना भी सकते हैं। अब मैंने इसमें यहाँ पर थोड़ा सा नमक डाला है। फ्रेंड्स, अब अचार मसाले में डालने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा तेल गरम किया है और इसमें हम डालेंगे मेथी दाना। मेथी दाना थोड़ा सा गोल्डन होने लग गया है कि हम इसमें डालेंगे हींग। हींग और मेथी दाने का प्रोमिनेंट फ्लेवर है। साथ में हम इसमें डालते हैं कलौंजी और अब हम गैस को बंद कर देंगे। और अब हम ये हींग, मेथी दाना और कलौंजी वाला तेल इसमें डालते हैं और तुरंत ही थोड़ा सा ढक देते हैं जिससे कि अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। 1-8 मिनट हमने ढक के रखा है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर इसके अंदर आ गया है मसाले का सारा। और अब हम इसको मिक्स कर देते हैं और ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए कि फिर हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे जिससे कि मसाले का कलर काला ना हो। और अब हम इसमें डालेंगे 1.5 से 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, मिक्स कर देते हैं। फ्रेंड्स, अब गट्टे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप बेसन और अब हम इसमें डालेंगे ये हमने बनाया हुआ अचार मसाला। 1 से 1.5 चम्मच हमें डालना है। आप चाहे तो, मैंने बोला जैसे, आप रेडीमेड अचार मसाला भी इसमें डाल सकते हैं या घर का बना हुआ अचार मसाला डाल सकते हैं। और साथ में अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा धनिया पाउडर हम इसमें डालते हैं और हमें डालना है स्वादानुसार नमक। नमक डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच तेल और सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, तेल डालने के बाद इस तरह से हाथ से हमें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। तेल का मोयन से ही गट्टे अंदर से एकदम सॉफ्ट बनेंगे और बाहर से क्रिस्पी बनेंगे। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा गाढ़ी छाछ, मैं इसमें ले रही हूँ। आप चाहे तो इसमें दही भी डाल सकते हैं और इसको हमें डो प्रिपेयर करना है। फ्रेंड्स, यदि छाछ थोड़ी खट्टी हो तो आप थोड़ा पानी डालकर भी डो प्रिपेयर कर सकते हैं। इस तरह से हमें पराठे की तरह हमें डो प्रिपेयर करना है। फ्रेंड्स, अब हाथ में थोड़ा सा तेल लगाकर हम इस तरह से इसके बॉल्स प्रिपेयर करेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारे सारे बॉल्स रेडी हो गए हैं। फ्रेंड्स, अब ये कढ़ाई में मैंने तेल गरम किया है, इसमें हम ये हमारे गट्टे गोल्डन क्रिस्पी करेंगे। मीडियम फ्लेम पर हमें इसे गोल्डन करना है। फ्रेंड्स, ये गट्टे को मैंने एकदम गोल्डन क्रिस्पी कर लिया है 3-4 मिनट के लिए और अब हम इसको निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, अब इसी तेल में हम आलू को भी कुक करेंगे। 3 मैंने आलू लिए हैं, इसको मैंने छीलकर मीडियम साइज के टुकड़ों में कट कर लिया है। हम चाहे तो आलू को फ्राई करके भी ले सकते हैं। आलू में हम थोड़ा सा नमक डालते हैं और इसको ढककर मीडियम फ्लेम पर कुक कर लेंगे। फ्रेंड्स, 2-3 मिनट हो गए हैं, आलू भी हमारे थोड़े गोल्डन हो गए हैं। आलू को मैंने साइड में कर लिया है और यहाँ तेल में हम डालेंगे तेज पत्ता, दालचीनी के टुकड़े और एक सूखी लाल मिर्च और साथ में जीरा हम इसमें डालते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे कुछ मूंगफली के दाने जिसको कि मैंने थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो के रखा है। आलू और गट्टे के साथ मूंगफली के दाने भी बहुत अच्छे लगते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा लाल मिर्च पाउडर हम इसमें डालेंगे और थोड़ा धनिया पाउडर। और अब हम इस पर डालते हैं हमारा ये बनाया हुआ अचार मसाला। और अब हम इसमें हमारे ये तले हुए गट्टे भी इसमें मिक्स कर देते हैं जिसको हमने क्रिस्पी कर लिया है। मिक्स कर देते हैं सबको, सबको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे 1 कप पानी। मैं ये गर्म पानी डाल दूँ जिससे सब्जी का स्वाद और अच्छा आता है।
फ्रेंड्स थोड़ा पानी मैं और डाल रही हूँ कंसिस्टेंसी सेट करने के लिए, क्योंकि हम आलू और गट्टे दोनों को ही थोड़ा सा ढककर अच्छी तरह से इसमें कुक करेंगे। और अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालते हैं। नमक डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी शुगर, जो कि सब्जी का स्वाद एकदम इन्हेंस करेगी। और इसमें हम फिर नींबू का रस भी डालने वाले हैं। आप चाहे तो इसमें अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। अमचूर पाउडर डालना है तो आप अभी डाल सकते हैं, और नींबू का रस हम सब्जी को कुक करने के बाद डालेंगे। फ्रेंड्स 4-5 मिनट के लिए मैंने स्लो फ्लेम पर कुक कर लिया है। अब हम इसमें डालते हैं थोड़ा नींबू का रस और साथ में हरा धनिया। करी की कंसिस्टेंसी आप आपकी इच्छा अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं इसमें। फ्रेंड्स रेडी है हमारी अचारी गट्टे आलू की सब्जी। मिलते हैं फिर अगली रेसिपी के साथ। थैंक्स।